बिस्मिल्लाह अस्सलाम स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बैक्टीरिया का यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या चीज है? एंटीबायोटिक्स बच्चे ऐसे मेडिसिन हैं जिनको हम बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपने 10th की बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी में पढ़ के आए थे कि ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज हो या तो बैक्टीरिया को किल कर देंगी या फिर इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगी। कैसे? इसकी जो प्रोटीन है बैक्टीरिया आपने बनाया था उसको बनने से रोक देती थी। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो या तो बैक्टीरिया को किल करेंगी या फिर उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करेंगी। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया पर असर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बनाता जा रहा है। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्या मुराद है? अब एक वायरल डिजीज होगी उसमें इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स करते फिर रहे होंगे लोग। सो जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसी को वो काम करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगर एंटीबायोटिक यूज करने तो उसको किसी और जगह इस्तेमाल ना करें, इसका फायदा नहीं होगा वहां, क्योंकि इसका काम है सिर्फ बैक्टीरिया को मारना। तो आइए चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। एंटीबायोटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। एंटी मींस अगेंस्ट एंड बायोस मीन लाइफ। एंटीबायोटिक्स क्या लफ्ज है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें लफ्ज एंटी का मतलब है अगेंस्ट और लफ्ज बायोस का मतलब तुम पहले से जानते हैं लाइफ। सो लाइफ के अगेंस्ट और किसकी लाइफ के? बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट यूज होने वाली मेडिसिन को हम क्या नाम देते हैं? एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन लाइफ। एंटीबायोटिक्स आर द कीमियोथेरापेटिक केमिकल सब्सटेंसेस। कीमियोथेरापेटिकल का क्या मतलब है? कि केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकली बैक्टीरिया को या तो किल कर देंगे या फिर उसकी ग्रोथ को रिटार्ड, उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। एंटीबायोटिक्स आर द कीमियोथेरापेटिक केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस। इंफेक्शन वाले डिजीजेस के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंजाई। वो कहता है आप इन एंटीबायोटिक्स को हासिल कहां से कर रहे हो? सो इसे एंटीबायोटिक्स सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड। एंटीबायोटिक्स को बना भी वही रहे हैं और सिंथेसाइज भी वही ऑर्गेनिज्म कर रहे। कौन कौन? बैक्टीरिया। लेकिन जिस सांप के जहर से ही सांप के काटने का दवाई निकाली जाती है ना, सांप के काटने के जहर को, जैसे हम कह सकते हैं लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल इसी तरह एंटीबायोटिक्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया के खिलाफ और एंटीबायोटिक्स को बना कौन रहा? बैक्टीरिया खुद ही। तो एंटीबायोटिक्स इज फॉर्म्ड एंड सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंजाई। तीन ऑर्गेनिज्म से हम अपने एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं, बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसिट से और फंजाई से। However, their origins are today some antibiotics are synthesized in laboratory. वो कहता है आज के दौर में, आज के जदीद दौर में कुछ एंटीबायोटिक्स को हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज में भी बना रहे हैं। However, their origins are living cells. जबकि उनका ओरिजिन क्या है? एंटीबायोटिक्स बनेंगे किधर से? लिविंग सेल से। बेशक उनको लेबोरेटरी में बना लो,
बेशक उनको बैक्टीरिया से हासिल कर लो, एक्टिनोमाइसिड से हासिल कर लो, या फिर फंगस से हासिल कर लो। However, their origin are living cells. To determine drug of choice, one must know its mode of action, possibly adverse side effects in human beings. तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए जहन में दो बातों को क्लियर रखना चाहिए, ये मेडिसिन किस काम के लिए है, इस मेडिसिन की स्पेशलिटी क्या है, दूसरी इसका एडवर्स, इसका बुरा इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है ह्यूमन बीइंग पे। सो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए ये दो चीजें, उसका फायदा क्या है, वो किस चीज के बारे में हम इस्तेमाल करें, उसका नुकसान क्या हो सकता है, ये दो चीजें जहन में हमें रखनी चाहिए। Massive quantities of antibiotics are being prepared and used. वो कहते हैं बहुत सारी quantity antibiotics के बना भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। Massive quantities of antibiotics are being prepared and used, which are followed by widespread problems of drug resistant in microorganisms. वो कहता है कि हम हर मेडिसिन के तौर पे हर डिजीज में एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते चले, जैसे हम पाकिस्तानी खुद डॉक्टर बन जाते हैं, कोई भी मसला पैराडोल खा लो, डिस्प्रिन खा लो, हाइड्रालिन सिरप पी लिया, अपने डॉक्टर खुद ही बने हुए। इसके अलावा हम बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स को ही धकेलते चले गए, नुकसान क्या हुआ, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाना शुरू हो गए। अब एंटीबायोटिक्स उन पे असर नहीं कर रही, अगर असर कराना है तो जो पहले आप एंटीबायोटिक देते उससे हैवी वाली एंटीबायोटिक दो, पर वो भी कब तक चलेगी, एक टाइम आएगा जब उस एंटीबायोटिक का भी असर खत्म हो जाएगा, उससे हैवी मेडिसिन दो तो कोई मशीन नहीं है, इंसान है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर का मसला बन सकता है, क्योंकि मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है। तुमने पहले ही कहा था मेडिसिन देते हुए दो चीजें लाजमन देखनी है, क्योंकि किस चीज के लिए इफेक्टिव है और उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका नुकसान क्या। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे आगे, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड व्हिच आर फॉलोड By widespread problem of drug resistance in microorganisms. क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स को बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना शुरू हो गए, बहुत सारे डिजीजेस में जिनसे रिलेटेड का कोई काम नहीं है उसमें भी इस्तेमाल कर रहे थे, मसला क्या पड़ा, माइक्रोऑर्गेनिज्म इससे रेजिस्टेंस बनाना शुरू हो गए। This result in an increase in resistance against a disease treatment. इतना मैसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या हुआ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस बना चुके हैं और अब बीमारी को डील करने में किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए मसला आ रहा है, ट्रीटमेंट मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मिसयूज्ड एंटीबायोटिक्स कैन इंटरैक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड इन सर्व केसेस कैन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आप ज्यादा हद तक मिसयूज करो एंटीबायोटिक्स का, काम कुछ और था पकड़ा एंटीबायोटिक्स दी, तो एंटीबायोटिक्स हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से जाकर रिएक्ट कर सकती हैं, और अगर एंटीबायोटिक्स हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से रिएक्ट कर गई तो नुकसान क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को तबाह करके रख देंगी और स्वेयर केसेस में इंसान की डेथ भी हो सकती है। So, misuse of antibiotics इतना खतरनाक है, इसके इतने एडवर्स इफेक्ट है कि ये इंसान की डेथ कॉज कर सकता है, कैसे, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म से रिएक्शन करके ऑफ ह्यूमन बीइंग। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन, आपको एग्जांपल देने जा रहा है, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक इंफेक्शन। वो कहता है अगर आप पेंसिलीन का मिसयूज करेंगे जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये बॉडी में इंफेक्शन कॉज कर सकती है,
misuse of antibiotics such as penicillin can cause allergic infection. ये आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकता है, इंफेक्शन कॉज कर सकता है. कौन? पेंसिलिन. सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन इफेक्ट ऑडिटरी नर्व एंड कॉज डेफनेस. जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का मिसयूज भी, स्ट्रेप्टोमाइसिन का मिसयूज भी हमारे बॉडी को कहां लीड कर सकता है? डेफनेस की तरफ. ये हमारी ऑडिटरी नर्व जो ईयर से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रही है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से जो साउंड सिग्नल है, जो साउंड मैसेज है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और हम इस कंडीशन में कहते हैं डेफनेस. सुनने की सलाहियत से इंसान को महरूम कर सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन इफेक्ट ऑडिटरी नर्व थस कॉजिंग डेफनेस. टेट्रासाइक्लिन एंड इट रिलेटेड कंपाउंड कैन कॉज परमानेंट डीकलराइजेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन. तो इसीलिए हम कहते हैं कि 8 साल से छोटी उम्र के बच्चों को टेट्रासाइक्लिन मत दीजिए एज अ मेडिसिन. क्यों? ये दांतों की डीकलराइजेशन, दांतों पे स्टेन लगा सकते हैं टीथ पे. ये हमारे 8 साल के उम्र के छोटे बच्चों को जो दांत है उसकी डीकलराइजेशन कर सकती है. टीथ स्टेन ज्यादा हो जाएंगे, उन पे दाग आ जाएंगे. तो बच्चे हमारे पास मिस यूज आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स के. आगे देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया बच्चे बड़ी प्रोमिनेंट टाइप है हमारे बैक्टीरिया की. तो आइए हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते. अब जो ये हमारा साइनोबैक्टीरिया था, इसको पहले एक ना फंजाई समझा जाता था. एक इसके बारे में गलत ओपिनियन थी कि इसको फंजाई समझा जाता था. इसके इसका निकनेम आज तक ब्लू ग्रीन फंजाई पड़ा होगा, सॉरी ब्लू ग्रीन एलजी, इसको एलजी समझा जाता था, और इसका अब तक नाम ब्लू ग्रीन एलजी पड़ा होगा. है क्या एक बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की बड़ी स्पेशल टाइप है, बड़ा प्रोमिनेंट बैक्टीरिया बैक्टीरिया के टाइप में से. द साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट, सबसे बड़े साइज में जो बैक्टीरिया है वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया. द साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो सबसे बड़ा ग्रुप है और जो सबसे ज्यादा वैरायटी रखने वाला ग्रुप है वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट, साइज में सबसे बड़े, वैरायटी में सबसे ज्यादा, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, किन में? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में. द साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया व्हिच वाज प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको पहले क्या समझा जाता था? ब्लू ग्रीन एल्गी समझा जाता था, और आज तक इसका निक नेम यही है. साइनोबैक्टीरिया वॉज प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जे. साइनोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स. जारी बात है बैक्टीरिया तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा, उस बुनियाद पर उसने कह दिया कि साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बच्चे? ट्रू प्रोकैरियोट्स कहते हैं, मतलब इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होगा. They vary greatly in shape and appearance. क्योंकि इनमें diversity बहुत ज्यादा है, इनके पास variety बहुत ज्यादा है, तो shape की बुनियाद पर और appearance की बुनियाद पर, looking की बुनियाद पर इनकी बड़ी ढेर सारे types हैं, एक दूसरे से बड़ा differently दिखते हैं हमें. They vary greatly in shape and appearance. They range in a diameter from 1 to 10 nanometer. इनका जो डायामीटर हो कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? 1 to 10 माइक्रोमीटर. यू प्रिंटिंग में गलती है. सो इनका जो डायामीटर है वो कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक. एंड दे मे बी यूनिसेलुलर, ये अकेले अकेले भी रह सकते हैं,
साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, ट्रू प्रोकैरियोट है, बड़ी वैरायटी है इनकी शेप में, बहुत ज्यादा ये डायवर्स है। सो देयर डायमीटर इज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। दे मे बी यूनिसेलुलर, अकेले अकेले रह सकते हैं। दे मे एग्जिस्ट इन क्लोनीज, इकट्ठे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलके क्लोनीज बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 वॉलवॉक्स, क्लोनियन टाइप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे मे बी यूनिसेलुलर एग्जिस्ट एज क्लोनीज, क्लोनीज बना के भी रह सकते हैं, ऑफ मेनी शेप्स और फॉर्म अलाइनमेंट्स कंसिस्टेंट ऑफ ट्राइकोम्स, या फिर एक सीधी सीधी लाइन में भी रह सकते हैं, इकट्ठे एक साथ जुड़ के एक लाइन बना के रह सकते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें बच्चे हेट्रोसिस्ट बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे एग्जिस्ट इन क्लोनीज, दे मे ऑल्सो फॉर्म अलाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम्स, चेन्स ऑफ सेल। ये एक एक यूनिसेलुलर सेल्स चेन बना लेंगे, एक लंबी सी चेन में रहेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी डायग्राम पे, इसकी डायग्राम देखिएगा जरा। ये एक एक सेल एक बड़ी लंबी चेन में रहना शुरू करते हैं, तो आप उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोनी भी कह सकते हैं। एक चेन फॉर्म में रहना शुरू कर दिया, इस चेन फॉर्म को हमने नाम दिया बच्चे ट्राइकोम्स का। दे मे लाई इन अलाइनमेंट्स कंसिस्टिंग ट्राइकोम्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेंज, जो ट्राइकोम्स है इनको एक शीट प्रोटेक्शन दे रही है, जिस शीट को हमने नाम क्या दे दिया बच्चे, म्यूसिलेंजियस शीट। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल, और इन साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है, ग्राम नेगेटिव वाली। दो टाइप ऑफ सेल वॉल आपने देखी थी ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इनके पास कौन से सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव वाले सेल वॉल है। मजीद इनके पास फ्लैजेलम, नेगेटिव सेल वॉल है। बट एक और ये सोर्स भी यूज करें ग्लाइडिंग का मूवमेंट के लिए, एंड मैनी फिलामेंटस स्पीशी हैव ग्लाइडिंग मोबिलिटी। जैसे ग्लाइडर ग्लाइड करता है, ये इस तरह पानी में ग्लाइड करते हुए जाएंगे। देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ यूकेरियोट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरो एंड फोटो सिस्टम टू। वो कहते हैं साइनोबैक्टीरिया है आपके पास, इसका जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है ना, ये यूकेरियोट से बड़ा रिजेंबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए भी है, इनके पास फोटोसिस्टम टू भी है, तो हुई ना सेम बात यूकेरियोटिक सेल वाली। इसी वजह से ये इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो भी यूकेरियोटिक सेल से रिलेटेड है। द फोटोसिंथेसिस सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड दैट ऑफ यूकेरियोट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिस्टम टू। They carry out oxygenated photosynthesis. They use water as an electron donor and generate oxygen during photosynthesis. ये water को as a donor इस्तेमाल करें और photosynthesis के through क्या produce करें, oxygen। और आपको एक बात बताऊं, जो लोग evolution में believe करते हैं ना, उनका यही कहना है कि prokaryote से life शुरू हुई, और वो मानते हैं कि बैक्टीरिया से ही सारी लाइफ एवोल्यूशन के थ्रू शुरू हुई है। तो दे कैरी आउट ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया कुछ थे वो सल्फर को भी इस्तेमाल कर लेते थे, H2S को। बट वो कहते हैं साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के लिए किसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
ऑक्सीजन को, मतलब ये ऑक्सीजन का ऐसा बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में दे रहे हैं, जबकि जो दूसरे वाले बैक्टीरिया थे वो H2S गैस रिलीज कर रहे थे, ये O2 गैस रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यूकेरियोट्स से रिलेटेड है ना, यूकेरियोट्स भी तो यही करते हैं, प्लांट के सेल भी तो यही करते हैं ना। दे यूज वॉटर एज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये वॉटर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एंड जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन पानी से हासिल किए, यूकेरियोट्स में तो फोटोसिंथेसिस में पानी इस्तेमाल हो रहा है ना, और बाय प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबिलिन्स एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, और इनके पास जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो कौन है, फाइकोबिलिन्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन लिंक्ड विद पार्टिकल्स कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। जो फाइकोबिलिसोम पिगमेंट है और जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो चुके हैं, वो स्ट्रक्चर जिसके साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अटैच है, उसको हम नाम कहते हैं बच्चे फाइकोबिलिसोम्स का। फाइकोकायानिन ब्लू पिगमेंट इन देयर प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन एंड CO2 इन देम इज एसिमिलेटेड थ्रू केल्विन साइकिल। और मजे की बात है, इनमें केल्विन साइकिल भी हो रहा है, जिसमें इनका पिगमेंट फाइकोसाइलिन एंड CO2 इज एसिमिलेटेड थ्रू केल्विन साइकिल। आगे आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या कह रहे हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज ग्लूकोजन। तो बच्चे क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स ह्यूमंस फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं स्टोर करते? इंसुलिन और ग्लूकागन का क्या काम था, कन्वर्जन करवाना ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की। तो कहता है वो रिजर्व फूड मटेरियल साइनोबैक्टीरिया किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है। रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया अपने मटेरियल को स्टोर कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन बैक्टीरिया, तो बाइनरी फिशन की तो रिप्रोडक्शन करेगा ना। सो साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन फ्रेगमेंटेशन में सिंपल इतना डिफरेंस है, अगर दो में डिवाइड हुआ बाइनरी फिजन, अगर दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो गया पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के लिए, तो फ्रेगमेंटेशन। इन साइनोबैक्टीरिया होमोगोनिया एकाइनेट्स एंड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट। अब डायग्राम पे देखते हैं हारमोनिया क्या है, एकाइनेट्स क्या है और हमारा हेट्रोसिस्ट के। बच्चे ये आपस में चेन बनाए हुए हैं, ये आपस में एक चेन बनाए। अब जो हेट्रोसिस्ट है ना बच्चे, उसका वो पोर्शन है जहां से ये एटमोस्ट में से नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स कर रहा है। सो हेट्रोसिस्ट का काम आ गया नाइट्रोजनस फिक्सेशन में। दूसरी चीज के हमारे पास बच्चे क्या है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट तो हो गया, अभी किस जगह किस पोर्शन से टूटता है। लंबी लंबी चेन्स है ना, ये चेन्स एक जगह से टूटती है, उस पॉइंट से टूटने के बाद ये होमोगोनिया में चेंज हो जाती है। सो हेट्रोसिस्ट का पहला काम हो गया नाइट्रोजनस फिक्सेशन। और अगर कोई साइनोबैक्टीरिया टूट रहा है तो कहां से ब्रेक डाउन होता है, हेट्रोसिस्ट के बिल्कुल साथ से, और जो वो नई चीज बना रहा है उसको हम कहते हैं बच्चे होमोगोनिया। बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।